हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल EFLM के अंदर। एंड गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि अब CMA वालों की डेट शीट आ गई है और एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए हैं 21 अक्टूबर से हैं, 21 से लेकर 28 तक है CMA इंटर और फाइनल की। मैं बेसिकली यहाँ पे मेन बात कर रहा हूँ। तो मेरे से बहुत सारे CMA वाले बच्चों का ना, जब से कल से वो नोटिफिकेशन आई है, तो मैसेज आ रहा है कि सर क्या अब हम बोथ ग्रुप की तैयारी करें, बोथ ग्रुप की तैयारी करें। तो बेटा मेरी बात सुन लो क्लियर कट, किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। देखो जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर के 21 तारीख से पेपर है, तो मोटा मोटा 2 महीना 20 दिन है। 2 महीना 20 दिन में ग्रुप की क्लास ही खत्म नहीं होगी। अगर कोई नया ग्रुप ले रहे, तुमने एक ग्रुप तैयार कर रहे थे, कोई नया ग्रुप ले रहे, तो 2 महीने 20 दिन में ग्रुप की क्लास ही खत्म नहीं होगी। रिविजन कब करोगे? बोथ ग्रुप के चक्कर में मत फंसो, एक ही ग्रुप दे रहे थे देते रहो और एक ही को दे दो। और अगर बोथ ग्रुप देने की इतनी इच्छा हो रही है ना, अक्टूबर दिसंबर इन लोगों बराबर तो कर ही दिए, तो अक्टूबर का स्किप करके दिसंबर में बोथ ग्रुप दे देना। तो अगर बोथ ही देने का मूड बन रहा है और रैंक लाने की अब हिम्मत आ रही है कि हमने एक ग्रुप दे लिया था, तैयार कर लिया था, दूसरा भी हम करने के सोच रहे हैं, तो फिर अक्टूबर अटैम्प्ट दो ही मत, फिर सीधा 1-1.5 महीने गैप के बाद दिसंबर में बोथ ग्रुप दे देना, अगर दिसंबर में पेपर होते हैं तो। भगवान ने चाहे हो जाए, हम तो ये कहते हैं हो जाए, लेकिन चलो क्या होता है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। लेकिन मेरे अभी के लिए मेरी ओपिनियन यही है कि किसी की कोई बात में नहीं आना। मैं खुद टीचर हूँ, हम क्लास बेचते हैं, फाउंडेशन इंटर फाइनल सबकी, मैं बेचूंगा, ग्रुप टू प्रमोट करूंगा। अगर फाइनल वाला ग्रुप थ्री में या ग्रुप फोर लेगा, या ग्रुप फोर प्रिपेयर करता ग्रुप थ्री लेगा, या सेम इंटर वाला ग्रुप वन में था ग्रुप टू लेगा, ग्रुप टू था मैं ग्रुप वन लेगा, जो भी है व्हाटसो एवर, तो मेरी तो कमाई होनी है। लेकिन मेरी ओपिनियन यही है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी कमाई। अगर दिसंबर में ग्रुप देना है दिसंबर में, और सिंगल तैयार है, तो दूसरे की तैयारी करके दिसंबर में बोथ ग्रुप दे देना। अगर सिंगल ही तैयार कर रहे थे और अब ये मूड बना रहे हो कि अक्टूबर में पेपर होगा, 2-2.5 महीने का टाइम है, तो बेटा बोथ ग्रुप की तैयारी मत करना, तुम अब उसी ग्रुप को अच्छा करो। इससे बेटर तरीका ये कि उसमें जहाँ जहाँ इंप्रोवाइजेशन के चांसेस है, तुम्हें लगता है कि यार ये मेरा पेपर अच्छे तैयार नहीं था, तुमने किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं ली थी, तुम्हें लगता था कि तैयार नहीं है, अब मैं इसको टाइम मिल गया, चले अगर एक आध सब्जेक्ट की क्लास लेनी हो ना और पहले से वीक लग रहा, वो लो, पूरा नया ग्रुप स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे और तुम्हें लगता है कि यार एक आध सब्जेक्ट ऐसा जिसमें वीक और मेरे को, मैंने उस टाइम पे क्लास नहीं ली, अब लेने की जरूरत है, वैसा वाला सब्जेक्ट लो, लेकिन पूरा ग्रुप मत लो, बेटा नहीं होगा। ठीक है, यही एक छोटी सी बात एडवाइस देनी थी। और बच्चा बोलता है कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, तो मैंने क्लियर कर ही दिया, अगर अक्टूबर में जा रहे हो पहले से बोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर तो बोथ ही प्रिपेयर करते रहो, देते रहो। पहले सिंगल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अक्टूबर की डेटशीट देख के बोथ ग्रुप देने का मूड बना रहे हो, तो मत देना, सिंगल ही दो, बात खत्म। हाँ, अगर शिफ्ट करके दिसंबर तक दे सकते हो और ये प्लान बना रहे हो कि बोथ देने का मूड बन रहा है और एक तैयार हो गया है, तो फिर अक्टूबर मत दो, फिर दिसंबर में सीधा बोथ ग्रुप दे देना। ठीक है, चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।